आज हम बनाने वाले हैं पनीर चिली विदाउट शिमला मिर्च। आई होप आपको ये रेसिपी मेरा पसंद है। तो इसके लिए हमको कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जैसे कि यहाँ पर हमने दो छोटी हरी मिर्च ले ली है बारीक कटी हुई, 3 लहसुन ले लिए छोटी बारीक कटी हुई, और कुछ अदरक ले लिए हैं 1 पिंच कटी हुई, और यहाँ पर मैंने 1 फाइनली चॉप्ड स्मॉल क्यूब्स अनियंस ले लिए हैं, और सम पनीर ले लिए हैं मैंने जो मैंने घर पर बनाए थे। अगर आप घर पर पनीर बनाते हो तो उसको प्लीज़ फ्राई मत करना, और अगर आपका बाहर का पनीर है तब आप फ्राई कर सकते हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये एक नॉनस्टिक पैन, मैंने अभी सब गैस नहीं ऑन किया, ये हमारा नॉनस्टिक ही पैन है। अगर आप नॉनस्टिक पैन बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या डालना है। पहले हम लोग इसका फ्लेम एकदम मीडियम फ्लेम रखेंगे, नॉट हाई नॉट स्लो। जब तक ये हमारा गर्म होगा तब तक हम इसमें रिफाइंड ऑयल डाल देंगे 1 टेबल स्पून। हमारा पैन अच्छे से गर्म हो चुका है तो हम लोग इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑफ रिफाइंड ऑयल। तो हम लोग यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऑफ रिफाइंड ऑयल भी डाल चुके हैं, और हम लोग इसको गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। तो अब हम लोग इसमें डालेंगे ये हमारी बारीक कटी हुई सारे इन्ग्रीडियंट्स थे, छोटे छोटे लहसुन अदरक और मिर्च। चलिए डालने के बाद मिलती हूँ आपसे। तो हम लोग यहाँ पर अपने सारे इन्ग्रीडियंट्स डाल चुके हैं, जैसे आप देख सकते हैं, और हम लोग इसको एकदम धीमे फ्लेम पर रखेंगे। और मैं आपको मिलती हूँ प्याज डालने के बाद। तो हम लोग यहाँ पर प्याज डाल चुके हैं, देखते हैं हम लोग इसको अच्छे से चला लेंगे पूरा, और हम लोग इसको धीमे ही फ्लेम पर रखते हैं, और हम लोग इसको पूरा गोल्डन ब्राउन होने तक का वेट करते हैं। तो हमारे यहाँ गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पर नमक डाल देते हैं अकॉर्डिंग टू आर टेस्ट। तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट, और मैंने नमक डालने वाले इसको अच्छे से सॉटे कर लिया, यानी कि चला लिया। तब हम लोग डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑफ सोया सॉस। तो मैंने यहाँ सोया सॉस भी डाल लिया है, जैसे आप देख रहे हो कि मैंने सोया सॉस भी डाल लिया है। तो अब हम यहाँ पर डालेंगे शेजवान चटनी, अगर वो आपके पास है तभी डालिए, और शेजवान चटनी ऑप्शनल है। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून ऑफ शेजवान चटनी। तो मैंने लिया है यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून ऑफ शेजवान चटनी, और हम लोग इसको भी अच्छे से चला लेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर डालेंगे ग्रीन चिली सॉस, विनेगर, टमाटो सॉस, और सब हम लोग 1 टेबल स्पून डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर तीनों इंग्रेडिएंट्स डाल चुका है, और मैं अच्छे से चला भी चुकी हूँ इसको। आपकी रेसिपी बहुत ही यम लगने वाला है। तो अब हम लोग इसमें डालेंगे क्यूब्स वाले पनीर जो मैंने घर पर बनाया था। तो मैंने यहाँ पर पनीर भी डाल दिया है, और हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मैं आपको मिलती हूँ मिक्स करने के बाद। यहाँ मैं इसको अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ, आप देख रहे होंगे कितना यम्मी दिख रहा है। और अगर आपको थोड़ा सा हल्का सा सूखी चाहिए तो आप यहाँ पर ले लीजिएगा पानी थोड़ा सा, 1-2 टेबल स्पून। तो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ थोड़ा से पानी में, जितना पानी हमने लिया था उससे भी बहुत कम पानी है, 2 टेबल स्पून पानी है। तो हम उसमें 1/2 टेबल स्पून ऑफ कॉर्नफ्लोर डालेंगे, और अच्छे से मिक्स करके हम लोग इसमें डाल देंगे दोबारा, ताकि हमारा थोड़ा सा मतलब थोड़ा टेक्स्चर अच्छा दिखे। अच्छे से मिक्स करके उतने ही पानी में, तो हम लोग इस कॉर्नफ्लोर वाले पानी को हम लोग इसमें डाल लेते हैं, और हम लोग इसको अच्छे से एकदम मिक्स कर देंगे एकदम अच्छे से। तो हम लोग इसको कम से कम 30 सेकेंड तक इसको हम लोग अच्छे से चला लेना है। और अब हम लोग इसका आँच थोड़ा सा हाई कर देंगे, पर आज हाई कर दिया थोड़ा सा, मतलब कि मीडियम ही है पहले के अकॉर्डिंग। और हम लोग इसको 30 सेकंड तक अच्छे से चला लिए हैं। तो अब हम लोग इसको अच्छे से ढक भी देते हैं कम से कम 1 मिनट तक। तो मैं मिलती हूँ आपको 1 मिनट के बाद, और मैं इसको ढक भी हुई हूँ पूरे, हम लोग इसको 1 मिनट तक ढक लेंगे। तो हमारा 1 मिनट हो चुका है, तो मैं क्या बता देंगे, और इसे जो टेस्टी स्मेल आ रही है ना बहुत पसंद आ रही है, इसकी टेस्टी स्मेल आप कभी कर बनाएंगे। और मैंने इसको सिर्फ
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा रेसिपी कैसा लगा। तो हम लोग इसको अच्छे से प्लेटिंग कर लेते हैं किसी प्लेट में। तो ये देखिए हमारा यम्मी सा पनीर चिली बनके रेडी हो चुका है। आई होप कि आपको ये मेरा रेसिपी पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन।